चलो जल्दी खड़े हो लो यार, गाइस सुबह के 6 बजे देखो, 6:08 गाइस 6 बजे हमारा जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया, मतलब अभी चलाया मैंने और सुबह सुबह वो ख़त्म हो गया। नीचे सिंजिन ने मैं रखा, उठा के लाओ जल्दी, चलो क्यों अड़क सी, उठो जल्दी, कम जल्दी आ रहा हूँ। करे काम करवा ले तू। ए क्या कुछ नहीं, कुछ तो कहा समझ में नहीं आया, आओ भी नहीं तो खड़े हो लो, चलो इंग्लिश में बात करूँगा, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गैस सुबह के 6 बजे मैंने गैस ऑन करी, लेकिन हमारा जो सिलेंडर है वो खत्म हो गया। अभी जिन्ने में दरा वो नया लेकर आऊंगे, नया लेकर आऊंगे नहीं, जिन्ने में दरा पुराना ही तो नया ही तो है, पुराना थोड़ी हो जाओ बोलो, 25 साल का तो फिर लाइक नहीं उसे उठा गए बोलो। अरे यार घर में ही तो दरा, घर में ही तो जरा यही तो बात है, जब आज ऊपर होता मैं तो मैं परेशान नहीं करूँ थी ना, परेशान करने में मजा आ रहा है आपको, मजे से मजे भी वो जरा नीचे सिलेंडर लेकर आओ तावल ते जादू तो नाने का वो जाओ, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, जाओ जल्दी जल्दी। सुबह सुबह मैंने ये देखो इतने सारे कपड़े धो दिए और सब्जी भी नहीं बनी थी, बिजली गई बाग और कुछ कपड़े रह गए, एक बेडशीट रह गई, सब्जी नहीं बनी थी, मैं गैस पे चढ़ाई, गैस ख़त्म और मैंने सिलेंडर हटा कर यहाँ धर दिया यूँ पुराने वाला। तो अभी टाइम हो गया है झाड़ू पोछा करने का, तो सबसे पहले मैं इस चौक में यहाँ पे धो रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गंदा सा ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पानी से ही धो दूँ और साथ के साथ चूल्हे के यहाँ इधर उधर भी सारे को साफ़ करते हैं बिल्कुल, और झाड़ू अभी तक लगाई नहीं, पहले मैंने यहाँ ये साफ़ करा उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। तो अभी जो है वहाँ धो दिया था, अभी मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए, सबसे पहले मैं चौक में लगाऊँ उसके बाद कमरे में लगाऊँ। तो अभी तो ये है कि मिस्त्री का काम बचा हुआ है घर में, तो सारे को एकदम अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई, बस ऐसे ही अभी तो वैसे ही टेम्परेरी क्लीनिंग हो रही है घर में, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। पेड़ बंदर आ रहे रोटी खाने के लिए, मैं सुबह इनको रोटी डाल दूँ तो रोटी खा ले और खा कर बेचारे चले जा चुपचाप। तो अभी टाइम है सारे कपड़ों को यहाँ फैलाने का, कुछ यहाँ फैलाऊँगी कुछ यहाँ फैलाऊँगी, तो चलो काम में लगूं। मैं शिमला मिर्च बनाऊंगी, आलू तो बच नहीं रहे तो बस खाली टमाटर और शिमला मिर्च बनाऊंगी। इधर तो मैंने सूप चढ़ा रखा और इस कुकर में मैंने बनाई अरवी, अरवी थोड़ी रह सके तो इसलिए पापा के लिए ये बनाई, या तो पापा इसे खा के चले जाएंगे या वो पीस के लिए रख देंगे इसे। तो अभी जो है बस रोटी बनाने जाएगी और टाइम होगा 7:30। तो बिना आलू के वैसे तो अच्छी लगती नहीं, पर काम चलाने के लिए करना पड़ा है कभी कभी ऐसे, तो अभी इसमें मैंने डाल दिया पानी ताकि अच्छे से इसमें गल जा। तो अभी खाना भी बना लिया था, पापा भी चले गए थे ड्यूटी और मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और अभी मैं लग गई हूँ बर्तन की सफाई करने में, और लाइट भी आ गई थी तो साथ के साथ मैंने मशीन भी चला दी थी क्योंकि कुछ कपड़े बच गए थे, लाइट 6 बजे चली जा तो कुछ कपड़े रह गए थे, तो फिर से मुझे मशीन लगानी पड़ी। तो अभी साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और साथ के साथ कपड़े भी धो रही हूँ, अभी मैंने पानी चला दिया था तो इसलिए अभी कपड़े डाल दिए इसमें। नमस्ते, पैर भी छुए छुए माँ से, किसके छुए किसके तोड़े पैर छू, माँ के पैर छू, गिर ना जाइए तो आ जा आ गया के कर रहा था वहां यू खेल ले था बैठा अरे जुगा 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 अंदर देख लूंगा पीछे आ जा ऊपर जा काम, पैर छुओ पैर पैर छुओ बेटा, जी तरो मेरे बेटी की नौकरी लगा पड़ा हो गया है लो, ओहो थक गया भाई भी तो। गाइस सारा काम तो निपटा लिया, दोपहर होगी, अभी मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी मुल्तानी क्योंकि वो टाइम हो गया मैंने मुल्तानी लगाए हुए मुंह पे, तो मुल्तानी लगाऊंगी और 10-15 मिनट रखूंगी जब तक वो सूख नहीं जाती, और सूखने के बाद उसे धो दूंगी बस। तो चलो अभी एक बार लगा लूँ मैं जल्दी जल्दी। होम रेमेडी है, देसी नुस्खे हैं, इसमें ना तो कुछ ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते ना कुछ, जैसे अब बहुत सारे भी आवे ना फेस पैक आवे फेस मास्क आवे, तो उनकी जगह मैं बस यही अपनी मुल्तानी मिट्टी लगा लूँ, कभी बेसन लगा लूँ बस, और जब ज़रूरत पड़े
शादी वगैरह में कहीं जाना हो या करवा चौथ हो तब फेशियल करवा लूँ। वैसे मैं ज़्यादा फेशियल करवाती नहीं, साल में एक दो बार ही करवाऊँ। तो अभी जो है अच्छे से इसकी चेहरे पे पुताई कर ली जा। मैंने इतने सारे कपड़ों पर प्रेस करी और कुछ कपड़े रह भी गए, ज़्यादातर तो ये कुर्ता पजामा रह गए पापा के, क्योंकि इन पे ना एकदम गाड़ गाड़ कर अच्छे से प्रेस हो और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैंने इतने सारे पे तो कर ली। और कपड़ों पे करूँगी बाद में, मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी ना उसे धो गए मैंने, फिर मुँह पे मेकअप भी नहीं करा, ना बिंदी लगी ना कुछ, बस ऐसे ही लगी थी प्रेस कर। मगर जब प्रेस कर दूँ पहले, क्योंकि कपड़े बहुत सारे होते तो प्रेस करी, अभी थोड़े से रह गए इन पर बाद में करूँगी। अब मैं थक गई क्योंकि आज मैं दोपहर में लुटी नहीं बिल्कुल भी, सुबह से काम काम में ही लगी पड़ी आज मैं, इतना सारा काम था, कपड़े होते बहुत ज़्यादा, जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाए उस दिन काम फैला सही रहे। तो चलो थोड़े से कपड़ों पर तो मैं कर ली, थोड़े से नहीं बहुत सारे कपड़ों पर कर ली, थोड़े से रह गए। गाइस मेरी किस्मत देख लो, मैं भी काम निपटा कर बैठी हर भी हुआ लिया उठ के, थोड़ा बार सर मारा आ जा व्यू टी थी थोड़ी सी बार। अरे तेरी बड्डा व्यू तो आ जा आ आ खड़ा तो आ व्यू ने मैगी बना दी। तेरी सारी मैगी मजे भी देते थोड़े मैगी कहाँ तो लाया तू ये? ओए तू तो भाई वो खोल का आया था ये सारे पीछे में बटोले रखे थे डिब्बे में, ये सारे डिब्बे रिता बेटा इसमें गाल दे पीछे, ये काम आवे मैगी बनाऊंगा देखो। अच्छा बनेगी क्या मैगी? पापा मैगी बन गई आ जा मैगी का मैगी मतलब जैसी मैगी है सही पापा है तेरे पापा की भी मैं खा लूंगी वहाँ तेरे पापा वाली मैं ही खा लू मैगी ये तो मेरी है वो भी खा लू ये भी खाऊ मैं ठीक है पापा ला ना पापा ने लियो पापा रात हो गई है और व्यू के पापा ने अब तक खाना नहीं खाया, क्या टाइम हो रहा टाइम बताइए 9:30 बज रहे 9:24 हो रही, मैंने वेट करके भी खाना खा लिया, बर्तन भी साफ कर दिए। हाँ इसे पौनी चाह पर टाइम फोन कहाँ था। हेलो गाइस हेलो कैसे हो ने ने हेलो गाइस हाँ कैसे हो, तो ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ और व्यू की तरफ से भी बाय बाय कर दो। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।